तो यो हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। बड़े दिनों बाद आज हम आए व्लॉगिंग के लिए। तो मैं थोड़ा एकदम घाई में हूँ, तो जल्दी जल्दी मैं आपको बता रहा हूँ क्या है। तो आज मैं जा रहा हूँ मेरे गांव, मेरे मौसी के घर पे। तो मेरा भाई की लड़की का पहला बर्थडे आज, मतलब सॉरी कल है। तो आज हम लोग 6 तारीख है आज। तो यहाँ से हम जा रहे हैं कुर्ला टर्मिनल से हमको ट्रेन पकड़नी है। ट्रेन है 3:40 की और हम अभी भी घर पे ही। टाइम क्या हुआ है, तो अभी 7:15 घर पे ही बज गए हैं। तो हम लोग को जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना है। पैकिंग भी मतलब देखो ये सब है ना, मैं जाने नहीं वाला था घर से, कोई भी नहीं जाने वाला था। तो अचानक में मेरा मौसी का लड़का मुंबई घूमने आया था, तो ऐसे वो प्लान बन गया। सॉरी थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस के लिए इग्नोर, घर में थोड़ा काम चल रहा है। तो फिर जल्दी से जल्दी भाई बोला, तो फिर मैं टिकट निकाला ऑनलाइन। टिकट निकालने के बाद फिर वेटिंग था, फिर अब जाके सीट कंफर्म हो गए। तो अभी हम निकल रहे हैं, रेडी वेडी हो गए। बस अभी मेरे को सिर्फ कपड़े पहनने का, फिर हो गया। मैं अभी मार्केट गया, मार्केट से शूज़ लेके आया, बहुत कुछ लेके आया, सामान वामान। बर्थडे गर्ल के लिए ड्रेस लेके आया, बहुत कुछ। मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। और प्लीज़ ये ब्लॉग एंडिंग तक देखना, क्योंकि ये दो ही दिन है मेरे गाँव में। ये 2 दिन व्लॉग है ना गाइस, बहुत भारी बनने वाला, तो इसलिए बोल रहा हूँ देखो। और बर्थडे का भी व्लॉग मैं बनाने वाला हूँ दीदी का, हम लोग उसको प्यार से दीदी बोलते हैं जो बच्ची है। तो देखो एंडिंग तक कैसा होता है व्लॉग। तो शुरू करते हम यहाँ से व्लॉग, तो चलो यो। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, एक बैग है मेरे भाई की और दूसरी बैग है मेरे, नीचे गिरी है। अरे उठ जा भाई, उठ जा। बस ये 2 बैग है, देखेंगे क्या करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना गाइस, प्लीज़ लाइक करना है। क्योंकि देखो अपने चैनल को, हाँ मेरे को एक और बताने का, अपने चैनल को पूरा 1 ईयर कंप्लीट हो गया है, 1 साल हो गया है और 500 सब्सक्राइबर्स होने हैं। तो जल्दी से जल्दी 500 सब्सक्राइबर्स पूरे कर दो गाइस, प्लीज़। तो चलो चलते, अभी मैं कपड़ा पहनता हूँ, फिर रेडी होता हूँ, फिर डायरेक्ट मैं आपको मिलूँगा रिक्शे में। ऑटो से जाने वाले, डायरेक्ट मैं अभी उधर ही स्टार्ट करूँगा। अभी पहले पूरा रेडी होते फिर निकलते। तो चलो गाइस, फाइनली हम लोग अभी निकल गए। मैंने हाथ में स्वेटर लिया और पीछे बैग। तो अभी मम्मी डैडी दोनों छोड़ने आ रहे मेरे को। फाइनली हम लोग कुर्ला टर्मिनल्स पहुंच गए। इधर मेरी मम्मी डैडी हम लोग को छोड़ने आए, इधर मेरा भाई, मेरे मौसी का लड़का, हम दोनों साथ में जा रहे हैं। और ये इधर है कुर्ला टर्मिनल्स। तो अभी हम लोग ये देखने हैं वहाँ से, इधर कुछ नया बनाया है टाइम पे इंडियन रेलवे ने। ये दिखा है CST स्टेशन, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स, और सामने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो है। नवीन बनवले फर्स्ट टाइम, लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स मुंबई मंडल। तो ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो लगा, क्योंकि आज 6 दिसंबर है उनका महापरिनिर्वाण दिन, तो इसलिए लगा। और उसकी बहुत गर्दी है टाइम पे 6 दिसंबर की, सब लोग दादर आए थे चैत्यभूमि के लिए, इसलिए आज थोड़ा ट्रेन में गर्दी हो सकता है, तो देखेंगे कैसा। तो मेरी मम्मी मुझे छोड़ने आई है कुर्ला टर्मिनल्स। मैं मेरे मौसी के लड़के के साथ जा रहा हूँ गाँव, और मेरे डैडी के साथ में, और हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आके खड़ी है। तो हम लोग का कोच नंबर है S13। तो जाएंगे अभी, देखेंगे इस तरह की दर पीछे क्या आ गया। तो गाइस ये है हमारी ट्रेन, अभी यहाँ से हम लोग जाने वाले S13 के लिए। अभी देखेंगे S13 पीछे है, S13 बहुत पीछे, बाप रे। इधर S1 है इंजन के पीछे, ये है जनरल डब्बा, अभी देखते हैं। चलो बहुत पीछे जाना अभी अपने को। ये है हमारी ट्रेन, हम लोग ने जो ट्रेन बुक किया है ना, तो थोड़ा मतलब नई चीज स्पेशल है थोड़ी सी, मतलब इसको ज्यादा स्टॉप नहीं है, कम ही स्टॉप है। गिन के 4 या 5 ही स्टॉप है इसको,
फिर डायरेक्ट हमारे गांव सुबह 5:30 बजे आई थिंक सो पूछेंगे हम लोग। और आवाज आवाज स्टेशन का तो गाइस अभी हम लोग आ गए। हमारा कोच है S3। मैं स्टार्टिंग में गलती से S13 बोला पर नहीं S3 है। तो चलो जाते हैं अंदर अपनी सीट पे, देखते सीट कौन सी है। चलो नजदीकी सीट है। सर को सर को सर को कुटली है ये 12 और 13 है दोनों। चलो तो सीट पे सामान रख दिया। चलो थोड़ा बाहर चलते क्योंकि इंजन अब तक स्टार्ट नहीं है, इसलिए फैन बिन कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है। उसके वजह से इंजन स्टार्ट होगा फिर फैन स्टार्ट होगा। तो चलते थोड़ा बाहर रुकते थोड़ा फोटो वोटो निकालते। आज हम जा रहे ये ट्रेन से, ये नई ट्रेन आई है अभी तो हम जो जाते हैं फिक्स ट्रेन हमारे गांव जब भी जाएंगे तब इससे जाते हैं हमें। तो वो है सामने हमारी शालीमार लोकमान्य तिलक शालीमार एक्सप्रेस। तो अभी हम ये ट्रेन से जाने वाले शालीमार से नहीं जाने वाले है। देखते हैं कौन से क्या मालूम क्या बलहारशाह कुछ तो नाम है इसका बलहारशाह। ये तो मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। ये है शालीमार एक्सप्रेस। ये फास्ट है और ये सुपर फास्ट है। ये अभी अभी नई नई आई है बलहारशाह क्या नाम है क्या मालूम इसका। ये देखो गांव जा रहा हूँ मैं और मेरा भाई मौसी का लड़का। इधर ये लड़का चालू फोटो निकालने का और व्हाट्सएप पे डाल रहे कि हम जा रहे गांव। झुट झुट का स्टेटस डाल रहे हम जा रहे गांव गांव जा रहे मैं और मेरा भाई। तो ये गाड़ी है बलहारशाह स्पेशल ट्रेन है सुपर फास्ट। तो चलो गाइस अभी ट्रेन निकली। चला मम्मी नीचे आ रहे क्या। बाय जलवा मौसी या मम बप्पू चलो बाय। तो अभी हमारी ट्रेन निकल गई है तभी हम जा रहे हमारे गांव। पीछे है मम्मी मम्मी डैडी। जाते सीट पे आपको सीट दिखाता कौन सी सीट है अपनी है 13 और 14 ये दो सीट है हमारी। वैसे तो गाइस हम लोग खाना वीना सब घर से खा के आए। तो आज है 6 दिसंबर तो आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण हुआ था। तो बहुत जन करोड़ों के हिसाब से गांव साइड से आवाज को थोड़ा इग्नोर करो हेडफोन पहन लेना और हेडफोन से सुनना पूरा। करोड़ों के हिसाब से गांव से पब्लिक आती है दादर चैत्यभूमि के दर्शन के लिए। तो आज 6 दिसंबर है तो आई थिंक सो थाने और कल्याण के टाइम को मतलब उधर बहुत गर्दी रहेंगी बहुत हद से ज़्यादा गर्दी रहेंगी। इसलिए मैं अभी क्या कर रहे हैं हम लोग अभी हम लोग थोड़ा वॉशरूम जाएंगे और थोड़ा फ्रेश होने के बाद डायरेक्ट जाएंगे ऊपर सोने के लिए। डायरेक्ट सुबह आएंगे फिर ये गर्दी बहुत रहेंगी बोल नहीं सकते क्या है। इसलिए मैं अभी आपको भी बता रहा हूँ गर्दी रहने वाली है अभी देखेंगे अगर गर्दी रही तो डायरेक्ट मैं जाऊँगा ऊपर नहीं रहेगी तो फिर नीचे बैठूंगा देखते हैं अभी। चलो अभी आ रहा है ठाणे स्टेशन इसलिए मैं अभी आया वॉशरूम के लिए वॉशरूम करके जाएंगे ऊपर वाले बर्थ पर सोने के लिए। तो चलो जाते हैं अभी ऊपर मैं जाता हूँ ऊपर डायरेक्ट सोता हूँ। वैसे भी मैं बहुत थक गया और हाँ गाइस क्योंकि आजकल देखो व्लॉग हमारे लेट आने वाले क्योंकि मैं भी अभी जॉब पे लग गया हूँ। जॉब के मैं आपको बाद में बताता हूँ क्योंकि जॉब के वजह से मुझे टाइम नहीं मिल रहा है तो व्लॉगिंग करने के लिए। तो देखेंगे फिर भी मैं टाइम निकालूंगा आपके लिए बस आप सब्सक्राइब करो मैं आपके लिए टाइम निकालूंगा वीडियो बनाने के लिए। तो वही आपको बता रहा हूँ कि मैं भी अभी जॉब पे लगा हूँ फिलहाल अभी 2 हफ्ते हो गया मैं जॉब पे लगा हूँ तो मैं ऐसे छुट्टी नहीं ले सकता। और जॉब भी ऐसा है कि संडे मंडे कभी भी मतलब छुट्टी है ही नहीं जॉब पे। तो फिर मैं मेरे जो भाई है उधर उनसे बात किया बोला भाई ऐसी ऐसी बात है मैं देखो मुझे व्लॉगिंग करना रहता तो मुझे एक तो छुट्टी चाहिए ही चाहिए। हाँ ठीक है जब भी देखो व्लॉगिंग करना रहेगा ना तो बिंदास तो छुट्टी ले। तभी भाई से बात किया फिर जा रहा होगा वो 2 दिन के लिए फिर वापस जाने वाला आई थिंक सो 13 तारीख को देखेंगे।
अभी आने वाला थाना, चलते ऊपर डायरेक्ट सोते, डायरेक्ट सुबह मिलेंगे, तो बीच में मिल सकते हैं, डायरेक्ट सुबह मिलेंगे। चलो तो गाइस अभी मैं ऊपर आ गया हूँ, ऊपर वाले सीट के ऊपर वाले सीट पे। तो इधर बैग, दोनों बैग लगा मेरा और मेरे भाई का, इधर मैं सीट पर। अभी देखेंगे गर्दी होती है या नहीं होती है, भगवान करे गर्दी नहीं होनी चाहिए। 6 दिसंबर है, बता नहीं सकते कितनी गर्दी है कितनी नहीं गर्दी है। अभी देख, अभी तो वो मालूम पड़ेगा थाना और कल्याण स्टेशन पे, देखते चलो क्या होता है। हम लोग तो ऐसा खाना खा के आ गए घर पे, तो उसका वो टेंशन नहीं है। अभी आते थे पानी की बॉटल, थम्स अप ले लिया। अभी थोड़ा सा मैं लेटता हूँ, यूट्यूब देखता हूँ थोड़ा सा क्या है, और थोड़ा सोचता हूँ। ये 2 दिन है अपने पास कंटेंट, क्या बनाना है अपने को, क्या करेंगे। अब कल का तो कंटेंट बहुत भारी रहेगा, अभी कल है बर्थडे छोटी बेबी गर्ल का, डैडी, तो बर्थडे भी फर्स्ट बर्थडे, सो आई थिंक सो जोर से करने वाले। डीजे वीजे मंगाया है, तो कल का व्लॉग देखना पक्का गाइस, देखना अभी बोला कल का व्लॉग देखना, आपको दिखाता हूँ मेरा घर कैसा है और हमारा बर्थडे कैसे होने वाला है। तो वही मैं भी एक्साइटेड हूँ, क्या होने वाला है कल, देखते कल क्या होता है। चलो थोड़ा मैं अभी लेटता हूँ, थोड़ा वीडियो देखता हूँ, फिर मैं आपको मिलता हूँ बाद में, तो सुबह। चलो चलो जाओ खाना खा लेना सब लोग, और वीडियो एंडिंग तक देखना, और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप सब्सक्राइब मुझे नहीं कर रहे। हाँ जल्दी से 500 सब्सक्राइब कर दो, 432 हो गया, 500 मेरे को चाहिए। चलो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो रात को बहुत ठंडी थी, तो मैं सो ही गया था, ज़्यादा कुछ किया नहीं मैंने, सिर्फ थोड़ा सा मोबाइल देखा सो गया। और तो पहली बात तो देखो, गाड़ी को हो गया 2 घंटा लेट, 2 घंटे लेट है गाड़ी अपनी। इसका टाइमिंग था सुबह के 5 बजे का टाइमिंग था मेरे गाँव का, मलकापुर का। तो अभी बज गया है 7:30, तो क्या करने का, बहुत लेट हो गई गाड़ी। तो अभी जस्ट में उठा, बोला अरे 7:30 बज गया अब तक आया नहीं। अभी फिलहाल भुसावल गया, अभी आधे से 1 घंटा है यार, तो देखते हैं कैसा, 8-9 बजे तक तो घर पे पहुंच ही जाएंगे। चलो थोड़ा एक्साइटेड हूँ मैं, क्योंकि आज है बर्थडे और बहुत दिनों बाद मेरे मौसी को मिलूँगा, सबसे मिलूँगा, तो देखो आगे क्या होता है। फिर डायरेक्ट आपको मैं मिलता हूँ, बीच में मिलेंगे ये तो डायरेक्ट फिर मलकापुर स्टेशन पे मिलते। चलो गुड मॉर्निंग, मैं तो बहुत सोता हूँ, ठंडी इतनी ना गाइस, बहुत ठंडी है। लेट है हमारी गाड़ी, इसका ये इधर का टाइमिंग था सुबह 5 बजे का,
बजे आठ आठ सवा आठ बज गए। तो फाइनली हम लोग मलकापुर आ गए, स्टेशन से उतर गए, सामने से ट्रेन जा रही है हमारी। तो अभी जाते बाहर के साइड, फिर रिक्शा देखते, रिक्शा हमारे गांव की तरफ जाने के लिए। फाइनली घर पे पहुंचे हम, ये हमारा घर है मौसी का, ये हमारी बाइक, अरे हमारे गाय बैल सब इधर रखे, उधर दो है, इधर एक है और यहाँ से अंदर है। तो गाइस फाइनली मैं मेरे घर पे आ गया। तो देखेंगे, शाम को बर्थडे भी है, मेरे दीदी का बर्थडे है शाम को। दीदी बोले तो मतलब मेरे भाई की लड़की, उसका पहला बर्थडे, हम लोग उसको लाड़ से प्यार से दीदी बोलते हैं। तो शाम को देखते क्या है, क्या फंक्शन होने वाला है, डीजे वीजे क्या क्या है, खाने में क्या क्या है। तो उसका मैं दूसरा पार्ट बनाऊँगा, तो आप वो दूसरे वीडियो में देख लेना। तो अभी बस आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये ट्रैवल का वीडियो अच्छा लगा रहेगा, मुंबई से मेरे गाँव मलकापुर तक, तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी से जल्दी। और नेक्स्ट वीडियो पूरा पक्का देखना, देखते पूरा मेरे को भी मालूम नहीं क्या क्या है, पर पूरा देखना, वीडियो बहुत भारी बनने वाला है नेक्स्ट वाला। तो चलो आपको मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय। और जल्दी से 500 सब्सक्राइबर मेरे पूरे कर दो। हाँ चलो बाय।